मनुष्य यंत्र के गुलाम नहीं बनना है, यंत्र मनुष्य के सेवक बनना चाहिए। यंत्र की आवश्यकता है, उपकरणों की एक भूमिका है, लेकिन मनुष्य के यंत्र के जो संबंध है उसमें ह्यूमन फेस यंत्र के, विज्ञान के, तंत्र ज्ञान के, उसके मानवीय चेहरा, इसको उजागर करने की आवश्यकता है। यंत्र को नकारने से, तंत्र ज्ञान को नकारने से काम नहीं बनता, लेकिन तंत्र ज्ञान को मनुष्य के प्रकृति के हित के रक्षा के दृष्टि से कैसे उपयोग करना चाहिए, इसलिए अनुसंधान की आवश्यकता है, इसलिए संयम की आवश्यकता है, इसलिए सामंजस्य की आवश्यकता है, इसलिए समझदारी की आवश्यकता है। इस विवेक को हमें उत्पन्न करना चाहिए। माननीय ठेंगड़ी जी कहते थे, टेक्निकल नो हाउ इसकी बात होती है। ठेंगड़ी जी ने वर्षों पूर्व कहा था, टेक्निकल नो हाउ तो ठीक है भैया, टेक्निकल नो व्हाट, टेक्नोलॉजिकल नो व्हाट, ये कैसे केवल नहीं, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उस संयम को, उस सामंजस्य को, उस विवेक को भारत की यह भूमि विश्व को सिखा सकती है। इसलिए तंत्र ज्ञान के ऊपर कैसे नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो मानवता कौन से खतरे में आकर पहुंचेगी, इस विषय के बारे में विचार करना पड़ेगा।